सोडियम चैनल्स बंद रहते हैं और पोटाशियम चैनल पार्शली ओपन होते हैं तो वोल्टेज एक्टिविटी चैनल्स आर द मेम्ब्रेन चैनल्स ये मेम्ब्रेन चैनल्स होते हैं जिनकी परमिएबिलिटी किस पे डिपेंड करती है डिफरेंस इन द वोल्टेज अक्रॉस द मेम्ब्रेन। व्हेन सोडियम चैनल्स आर ओपन पॉजिटिवली चार सोडियम आयंस रश इन एंड अ सब्सिक्वेंट नर्व इम्पल्स ऑकर्स जैसे ही सोडियम चैनल्स खुलते हैं पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन रश करते हैं और सब्सिक्वेंट नर्व एम्पल्स ऑक्कर होती है या बनती है दीज आर द ग्राफ यहां पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एक एक्सएक्स पे वाई पे है टाइम सो दे इज अज अ रिजल्टिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड दे इज अ पीक दिस इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्यों बनता है रिजल्टिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिकॉज रेट ऑफ सोडियम दिस इज बिकॉज ऑफ द सोडियम चैनल ओपन एंड पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयंस अंदर रश करते हैं तो ये एक रेट ऑफ एंट्री ऑफ सोडियम आयंस है तो यू कैन सी इज़ दाइज इन द पीक और जब ये ब्लू कलर ये जो रेड कलर से दिखाया हुआ है और अगर हम ब्लू कलर को देखते हैं तो दिस इज अ रेट ऑफ एक्सिट ऑफ पोटेशियम आयन फ्रॉम द न्यूरोन सो इट इज अ लोअर पीक आफ्टर एक्सिंट पोटेंशियल ऑकर्स सोडियम चैनल्स आर क्विकली क्लोज The new uh, neuron is returned to its resting state by opening of potassium channels. जब एक्शन पोटेंशियल हो जाता है तो सोडियम चैनल्स क्विकली बंद हो जाते हैं। The neuron is returned to its resting state by opening of the potassium channels. पोटेशियम आयंस फ्लो आउट ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट

लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स ब्लॉक सोडियम चैनल्स एंड देयर फॉर प्रिवेंट एक्शन पोटेंशियल्स फ्रॉम ऑक्रिंग जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं सोडियम चैनल्स एंड को ब्लॉक करते हैं और एक्शन पोटेंशियल को होने से रोकते हैं एग्जांपल जैसे नोवोकेन इट्स एनेस्थेटिक ड्रग

इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस जो इनको इनिशिएट करती है एक्शन पोटेंशियल्स आर इक्वल इन इंटेंसिटी एंड स्पीड विद इन अ गिवन न्यूरॉन, सारे एक्शन पोटेंशियल्स अपनी वो इक्वल होते हैं इंटेंसिटी में और उनकी स्पीड भी सेम होती है इन अ पर्टिकुलर गिवन न्यूरॉन के अंदर दूसरे न्यूरॉन में वो अलग हो सकती है पर एक ही न्यूरॉन के अंदर एक्शन पोटेंशियल की इंटेंसिटी और स्पीड सेम रहती है आफ्टर एन एक्शन पोटेंशियल आफ्टर एन एक्शन पोटेंशियल अ न्यूरोन हैज अ अफ्रैक्टरी पीरियड डूरिंग विच टाइम द न्यूरोन रेजिस्ट अनदर एक्शन पोटेंशियल जब एक एक्शन पोटेंशियल हो जाता है तो न्यूरोन के अंदर एक रिफ्रैक्टरी पीरियड आता है जिस टाइम पर न्यूरोन रेजिस्ट करता है दूसरे एक्शन पोटेंशियल को द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्ट्री पीरियड इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पीरियड इन विच द मेम्बरेन कैन नाट प्रोड्यूस एन एक्शन पोटेंशियल एक इसमें जो रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है इसमें एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द पीरियड होता है जिसमें मेम्ब्रेन एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस कर कर ही नहीं सकती मेम्ब्रेन कैन नॉट प्रोड्यूस एन एक्शन पोटेंशियल दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड नाउ व्हाट इज द वन द रिलेटिव रेफ्रैक्टरी पीरियड इज़ द सेकेंड पार्ट in which it takes a stronger than the usual stimulus to trigger an action potential what is relative refractory period ye second part of the refractory period hota hai, which happens after absolute refractory period jisme neuron or the membrane produce karegi action potential par isko यूजअल से ज़्यादा स्ट्रोंग इम्पल्स चाहिएगी या स्टिमुलस चाहिएगी टू प्रोड्यूस एन इम्पल्स ओके इट नीड्स अ मोर स्ट्रोंगर स्टिम्यलस टू प्रोड्यूस एंड इम्पल्स दिस इज रेलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड इन द मोटर न्यूरोन द एक्शन पोटेंशियल बिगेंस एट द एक्ॉन हिलॉक स्वेलिंग मोटर न्यूरोन द एक्शन पोटेंशियल बिगिनस एट द एक्ॉन हिलक एक्सॉन हिलॉक क्या जगह है जहां पे एक स्वेलिंग होती है छोटी सी वहां से एक्जॉन निकलता है सोमा से प्रोपोगेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल प्रोपोगेसन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल इज़ द टर्म यूज़ टू डिस्क्राइब द ट्रांसमिशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल डाउन द एक्सॉन व्हाट इज़ प्रोपोगे ऑफ एक्शन पोटेंशियल इट इज़ द टर्म और इट इज़ दैट टर्म जो डिस्क्राइब करती है ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल डाउन द एक्जॉन एक्जॉन में जब एक्शन पोटेंशियल जाता है तो उसको प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल कहते हैं the action potential does not directly travel down the axon so here you can see you can see the sodium channels are open potassium channels are closed then you have um, partially uh, potassium channels are there so the movements of the ions it it is showing that how the action potential is traveling the axon. You can use this diagram to support your answers. Myelin sheath of an axon are interrupted at the short unmyelinated sections called the node of Renvier. जो हुई होती है एग्जॉन की वो जगह जगह पे टूटी हुई होती है जगह जगह पे वो इंटरप्टेड होती है जहाँ पे छोटे छोटे अन माइलिनेटेड होते हैं जिनको कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। एट ईच नोड ऑफ रेनवियर द एक्शन पोटेंशियल इज रीजेनरेटेड बाय अ चेन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन पुश्ड अलोंग द प्रीवियस सेगमेंट जैसा कि मैं बता रही थी आपको पहले भी कि ये जो एक्शन पोटेंशियल ये ट्रैवल नहीं करता है ये जगह जगह पे दोबारा बनता है और ये कहाँ पे बनता है ये बनता है नोट्स ऑफ रेनवियर पे और नोट्स ऑफ रेनवियर क्या है छोटी छोटी जगह है जहाँ माइलिन माइलिनशीत नहीं होती और ये अन माइलिनेटेड एरिया होता है एक्ज़ोन के ऊपर यहां पर एक्शन पोटेंशियल इज रीजेनरेटेड और ये कैसे रीजनरेट होता है बाय अ चेन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन पुश्ड अलोंग द अलोंग बाय द प्रीवियस सेगमेंट सो वॉट वर टॉकिंग यू कैन सी दिस माइलिनेटेड शीट और यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है इसको आप अपनी कॉपी में बनाइएगा जब आंसर्स दें तो ये जगह जगह पे देखिए सिर्फ येलो येल्लो यहां है यहां पे सिर्फ येल्लो की जगह है एक पॉइंट एक नॉच बनी हुई है ये है रोड ऑफ ऑफर और ये माइलिनेटेड शीत है और ये एग्जॉन है सेंटर में तो जहां पे ये जहां पे रोड नोड ऑफ रेनवियर है वहां पे माइलिनेटेड शीत नहीं है वहां पे सिर्फ एक्सॉन है तो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल रीजनरेट होगा दिस इज अट अवे व्यू ऑफ एक्सॉन रेप इन अट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम डू मेक इट इन योर आंसर सॉल्टेटरी कंडक्शन इज द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब दिस जंपिंग ऑफ द एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम नोट टू नोट अब इस चीज को क्या कहते हैं जब एक्शन पोटेंशियल एक नोट से दूसरी नोट पे जंप होता रहता है तो इसको कहते हैं सोल्टेटरी कंडक्शन इट प्रोवाइड्स रेपिड कंडक्शन ऑफ एम्पल्स ये क्या करता है सोल्टेटरी कंडक्शन इट प्रोवाइड्स अ रेपिड कंडक्शन ऑफ द एम्पल्स कंजर्व द एनर्जी ऑफ द सेल और इस जब सोल्टेटरी कंडक्शन होता है जम्प करता है एक नोट से दूसरी नोट तक एक तो जल्दी ट्रांसफर होते हैं कंडक्ट होती है दूसरा एनर्जी भी कम लगती है मल्टीपल स्क्रोसिस इज अ डिजीज इन विच माइलिन शीट इज डिस्ट्रॉयड एंड एसोसिएटेड विद द पुअर मसल कॉर्डिनेशन वॉट द इज अ डिजीज कॉल मल्टीपल स्क्स उसमें क्या होता है कि माइलिन शीट डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसमें क्या होता है कि उसमें पुअर मसल कॉर्डिनेशन होता है सो जो हम बात कर रहे हैं नोट ऑफ रेनवियर दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट डाइग्राम मेक इट ये मैंने सिर्फ यहाँ डाला ही इसलिए कि आप इसे अपने आंसर्स में यूज करें सो यू कैन सी द रोड ऑफ नैनवियर ठीक है यहाँ पे माइलिन uh, शीट भी है सेंटर में एक्जोन है दे इज अ कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स सॉल्टेटरी कंडक्शन है नोड टू नोड जंप कर रहा है लेस एनर्जी यूज हो रही है मूवमेंट ऑफ सोडियम आयन्स हो रहा है पोटेशियम आयन्स इन एंड आउट हो रहे हैं सो दिस इज हाउ The nerve impulse is conducted. So, with this, we complete this topic nerve impulse.